चलो रिपीट करना, ऑसिलेशन ड्यू टू स्प्रिंग, दिस वन हॉरिजॉन्टल मोशन और वर्टिकल मोशन, वर्टिकल मोशन, हॉरिजॉन्टल इजी वर्टिकल इजी, हॉरिजॉन्टल इजी, कौन सा इजी, ये वाला टफ, वर्टिकल में ये सबसे पहले कौन सी लेंथ, फिर वेट डाल दिया तो नीचे आ गई, इतना एल नीचे आ गई, वेट डाउनवर्ड रीस्ट्रिंग फोर्स, रीस्ट्रिंग फोर्स का फॉर्मूला के इनटू चेंज इन लेंथ, यानी चेंज इन लेंथ कितनी है एल, यानी फॉर इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में मेन पोजीशन है mg इक्वल टू कितना kl, अभी इसको थोड़ा सा नीचे खींचेंगे यहीं पे, थोड़ा सा, जब थोड़ा सा खींच के छोड़ेंगे तो इसको छोड़ेंगे तो ये क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा, नाउ एट सम पोजीशन आई सपोज वेट का एक्ट हो रहा है डाउनवर्ड, टोटल चेंज इन लेंथ नेचुरल लेंथ से कितनी है l + x, यानी रीस्ट्रिंग फोर्स हुई k * l + x, यानी ये मैंने बोल दी नेट फोर्स f है, नेट फोर्स f, तो नेट फोर्स कितनी हुई, ये mg है और ऊपर कितना है KLX, तो मान लिया यानी F is equal to mg minus KL minus of KX, weight and KL दोनों क्या है, ये दोनों क्या हो गए, यानी force कितनी आ गई minus KX, ये minus क्यों आई है force, restoring कौन सी force है, यानी किस तरफ लग रही है, towards the main position, towards the main position, answer वही है F is equal to क्या है minus KX, इस तो बार डेरिवेशन में की करानी है तो सिंपल है, फोर्स जगह की लिखोगे मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की जगह माइनस के बाय एम एक्स, के बाय एम किसके बराबर ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि ये दिस इज अ कांस्टेंट एंड जहां ऐसे लिख दो ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो लिख दो यानी ओमेगा स्क्वायर कितना आ गया रूट के बाय एम, ओमेगा के एम बाय एम आ गया, तो इसकी जगह ओमेगा की जगह 2 पाई बाय टी लिखोगे, टी कितना आ गया 2 पाई अंडर रूट एम बाय एम, यानी दोनों की डेरिवेशन का रिजल्ट की है सेम, चाहे वो हॉरिजॉन्टल है चाहे वो वर्टिकल है, लेकिन वर्टिकल की डेरिवेशन थोड़ी टफ है, क्यों टफ है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल दे विच डायरेक्ट होता है, उसके विच मीन पोजीशन ते नेचुरल लेंथ सेम होती है, इतने मीन पोजीशन ते नेचुरल लेंथ सेम नहीं है, सिमन कराओगे जल्दी से हॉरिजॉन्टल दी कराओ, चलो मैं मान लिया है मीन पोजीशन है, तो मीन पोजीशन ते नेचुरल लेंथ सेम गल है, क्योंकि अनस्ट्रेच्ड है, क्योंकि वेट तो इधर एक्ट होएगा, इधर तो एक्ट ही नहीं हो रहा, यानी अगर अपन एक्स डिस्प्लेसमेंट पे ले जाइए तो रीस्टोरिंग फोर्स कितनी हो जाएगी केएक्स, केएक्स हो जाएगी, और समझ आ गए, डेरिवेशन कर लोगे यानी एफ इज इक्वल टू कितना माइनस केएक्स, इस एमजी एमजी आया ही नहीं, क्यों नहीं आया, वेट इस एमजी आया नहीं, क्योंकि इस इन दिस केस वेट इज एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन दैट इज बैलेंस्ड बाय इट्स रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन दैट इज बैलेंस्ड बाय नॉर्मल, उधर रीस्टोरिंग फोर्स तो 90 डिग्री दे रहा था, यानी उधर कोई रोल नहीं, तो सेम डेरिवेशन होगी, फोर्स जगह इतने आ गया मास इनटू एक्सेलरेशन, द सेम डेरिवेशन आंसर इज सेम टी इक्वल टू पाई अंडर रूट एम बाय टी इक्वल टू पाई अंडर रूट एम बाय, चलो बढ़िया, अभी जब ये डेरिवेशन हो जाती है तो इसके बाद ना दो टर्म्स आती हैं स्प्रिंग इन सीरीज स्प्रिंग इन पैरेलल, ये थोड़ा सा लॉज ऑफ वर्क पावर एनर्जी से किया है कि स्प्रिंग इन सीरीज पक्का किया होना, स्प्रिंग इन सीरीज देन इन पैरेलल, चलो पहले डायग्राम देखते हैं, जैसे ये मैंने एक मास यूं करके एक स्प्रिंग बनाया, ये दूसरा स्प्रिंग और ये मास m1, सेकंड केस ये मास यूं लटका दिया m2, थर्ड केस यूं मास लटका दिया, अच्छा एक बात बताओ फर्स्ट सेकंड थर्ड ये के सीरीज क्या के पैरेलल का, ऊपर हेडिंग मत देखो वो गलत लिखी भी हो सकती है, सामने इज अ केस ऑफ सीरीज, दो स्प्रिंग है, इसकी स्टिफनेस k1 है, इसकी स्टिफनेस k2, स्प्रिंग कांस्टेंट k1 k2, ये यहां से फिक्स है, ये k1 k2 और ये भी k1 एंड, पहला फिगर किस में है, सीरीज में है पैरेलल में, सीरीज, दूजा सीरीज, तीजा पैरेलल, समझ आया, क्यों समझ आया, क्योंकि देखने में ऐसा ही है, ये दोनों सीरीज में है, वो दोनों भी सीरीज, और वो दोनों पैरेलल, जो देखने में होता है वो असली में हो ये जरूरी है, नहीं, बहुत बढ़िया, सीरीज वो केस होता है जिस केस में लोड सेम हो, क्या सेम हो, जब फोर्स सेम हो, क्यों फोर्स,
हूँ दसो अगर मैं यह दोनों स्प्रिंग मासलैस स्प्रिंग इज ऑलवेज अज्यूम्ड एज मासलैस इन्होंने दोनों का मास ना के बराबर यानी नहीं, नहीं है तो ये ज्यादा लोड बियर कर रहा है कि ये ज्यादा लोड बियर कर रहा है वो क्यों दोनों का लोड बियरिंग क्या है सेम समझ आया कि नहीं आया क्योंकि इसका भी वेट नहीं है इसका भी वेट नहीं है जब इसका ही वेट इस पे पड़ रहा है इसका ही वेट इस पे पड़ रहा है सीरीज वो केस है जिसमें क्या सेम है लोड यानी फोर्स सेम है क्या सेम है फोर्स सेम है जितने भी स्प्रिंग होंगे उन सब पे फोर्स सेम होगी इन ऑल द स्प्रिंग फोर्सेस सेम समझ आ गया पहला केस क्लियर अभी इसको छोड़ते हैं इधर चलते हैं इसकी जजमेंट इन दोनों से निकालेंगे इस केस में चंगा सुख है जो पिलर है पिलर में दो चीजें होती हैं क्या क्या एक तो कंक्रीट होती है एक लोहे की रॉड्स डली होती हैं जिसको हम सरिये कहते हैं और सीमेंट यानी कंक्रीट का मिक्सचर होता है यूं करके देखा है क्यों डालते हैं सरिया रॉड क्यों डालते हैं कुनीत बताएगा कट दे आपके घर में घर है आपका बढ़िया बात है आपके घर में पिलर है तो जब पिलर बन रहे थे तो आप थे कि नहीं थे नहीं। चलो फिर हम आपको बताते हैं आपके घर के जो पिलर है ना उसके अंदर एक तो आयरन रॉड है और एक कंक्रीट है और क्या है अभी आर्किटेक्चर ने क्यों रॉड डाली बताइए आप बहुत बढ़िया क्योंकि उसने आर्किटेक्चर की पढ़ाई की थी वो सीधा कंक्रीट के ही बना दे बहुत सारे लोग पता की करते हैं घर के बहुत छोटा पिलर बना लेंगे जिदा साइज बहुत रॉड बहुत घट पाते हैं वो जी है वॉल है वो दो इंटा की जनरली बनती है यानी एक इंट चार सवा चार की कहते हैं तो नौ इंची कंध कहा जाता किन्नी इंची नौ इंची दो इंटा ला देते तो कई लोग की करते हैं जेडे पिलर हैवी लाते हैं तो सिर्फ एक इट नाल ही सारा घर बना देते किन्नी इट नाल क्योंकि एक्चुअली जो पिलर तुसी हैवी बना देंगे हो यह पिलर बहुत हैवी है यह बहुत ज़्यादा लोड बियर कर सकता ये आयरन रॉड बहुत वड्डी पई है मोटी जिदा एरिया बहुत ज़्यादा क्योंकि लोड तो अल्टीमेटली सारे का सारा घर का जो लोड है जिदा लेंटर है लेंटर का सारा लोड इन्हों पे पिया होता कॉलम्स से यह जो उपर वाला जो नज़र आता कहते बीम की कहते हैं यह बीम हों उपर वाला तो यह वाला दिस वन इज कॉलम जा पिलर कॉलम जा पिलर आयरन रॉड तो लेंदे है भी आयरन रॉड ने लोड बियर करना किन्ने बियर करना जैसे गुनीत गया गुनीत को कहा भी आपकी ये फोर फिंगर्स हैं आपने एक पानी की बाल्टी उठानी है घर वाली ने इसके कपड़े धोए और इसको कहा भी कपड़े सुखा के आना गुनीत ने अपने फिंगर से यूं करके बाल्टी उठाई अब बताओ क्या इसकी सारी फिंगर्स ने लोड सेम बियर किया कि अलग अलग बियर किया सेम बियर किया कि अलग अलग जिसने उठाई उससे पूछते हैं नहीं सेम आपको लगता है सेम बियर किया है चीची उंगली है ए लोड ज्यादा बियर करेगी ए ज्यादा बियर करेगी ए ज्यादा बियर करेगी सब तो ज्यादा लोड बियर कौन कर दी है वड्डी फिंगर लोड बियर कर दी लग सारे ते लोड इकट्ठा है लेकिन बियर कौन कर रही है इदां ही जदों कंक्रीट ते सीमेंट ते जो लोड पैंदा कंक्रीट ज्यादा बियर करती है कि आयरन रॉड बियर करता है सही गल सिमिलरली इन्हां दोनों स्प्रिंग्स दे विच लोड इकट्ठा ही पै रहा है लोड तुहानू लग रहा है भी दोनों लोड सेम बीयर कर रही है लेकिन दोनों लोड सेम बीयर नहीं कर रही है दोनों लोड बीयर अलग अलग कर दोनों लोड बीयर तो जनरली ए इन्हां चीज़ां मन्निया जांदा है कि ए देखो अगर मैं बेसिक बोलां तो स्टूडेंट्स को गड़बड़ लगती है स्टूडेंट लगता है भाई ए दोनों की चेंज लेंथ अलग अलग होनी चाहिए सर देखो ए इन्ना दबिया तो इन्ना दबिया तो चीज़ टेढ़ी होगी दिस वन राइट ए सही है यह हो सकता यह चीज़ पॉसीबल है लेकिन अगर आप ग्रिप करके खिंचीए सपोज मैं कि मान लिया मनिया जाता इस केस आप ग्रिप किया ग्रिप फट करके खिंच लिया थले यानी जो चेंज इन लेंथ यदी है कि उ चेंज इन लेंथ यदी है कि दोनों की चेंज इन लेंथ सेम है कि अलग अलग है लेकिन दोनों के लोड अलग अलग दोनों के लोड यह एक्चुअली एक सिस्टम है जो जनरली यूज नहीं होंगे स्प्रिंग इदा नहीं लगे होंगे जनरली पिलर का सिस्टम है कि पिलर क्योंकि पिलर से लोड इकट्ठा पैना थलों जिदा देखो आ रॉड है ये आयरन है तो ये मान लिया कंक्रीट जो लोड पैना ना इनू
ਉਪਰੋਂ ਇਧਰੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈਣਾ ਜਦੋਂ ਇਧਰੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਏਗਾ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਚੇਂਜ ਲੈਂਥ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਸੇਮ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਚੇਂਜ ਲੈਂਥ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਸੇਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਯਾਨੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਚੇਂਜ ਲੈਂਥ ਸੇਮ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਲੋਡ ਕੈਰਿੰਗ ਕਪੈਸਿਟੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਯਾਨੀ ਇਹਦੇ ਕੌਣ ਸੇਮ ਲੋਡ ਸੇਮ ਕੌਣ ਚੇਂਜ ਲੈਂਥ ਇਹਦੇ ਕੌਣ ਸੇਮ ਹੈ ਲੋਡ ਕੀ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਚ ਕੌਣ ਸੇਮ ਹੈ ਲੋਡ ਪਰ ਪੈਰਲਲ ਚ ਚੇਂਜ ਲੈਂਥ ਸੇਮ ਹੈ अब ये केस देखो ये ऊपर से फिक्स है या नीचे से फिक्स है मास को आपने यूं लाना है यहां से पकड़ के थोड़ा सा नीचे अब बताओ कौन सी चीज सेम नजर आएगी आपको चेंज इन लेंथ सेम है कि लोड सेम है दोनों से चेंज इन लेंथ अरे यार मेरी गल सुनो बड़ा सिंपल जरा क्वेश्चन है अगर मैं इस स्प्रिंग को 1 सेंटीमीटर थल्ले दबदा तो की है 1 सेंटीमीटर थल्ले हो रहा जाएगा यानी ए एक सेंटीमीटर एक्सटेंड होया तो एक सेंटीमीटर कंप्रेस होया यानी दोनों दी कौन सेम है चेंज इन लेंथ मतलब है नहीं एक कंप्रेशन चाहे एक टेंशन चाहे तो है ही है मेनू भी पता एक कंप्रेस हो रहा है तो की हो रहा है टेंशन एक एक्सपेंड हो रहा है दोनों चीजें अलग-अलग है लेकिन दोनों दी चेंज इन लेंथ सेम अगर चेंज इन लेंथ सेम है तो केड़े केस जाएगा सीरीज के पैरेलल या पैरेलल का केस है अगी दा केस है पैरेलल दा हुण व्हाट इज द नेट फोर्स जिहड़ी है जिहड़ी K1 दी वैल्यू है स्टिफनेस या फोर्स कांस्टेंट कितनी होंदी है वो आपां कितना कैलकुलेट कर सकते हैं बड़ा सिंपल मेथड है जदों तुसीं रेजिस्टेंस दी डेरिवेशन कीती सी V इक्वल टू IR याद है ते रेजिस्टेंस इन सीरीज प्रूफ कीता सी वो भी याद है ते सीरीज दे विच कौन चीज सेम होंदी सी करंट ते डेरिवेशन कित्थों शुरू करीदा सी वोल्टेज इहनूं क्रैम नहीं कर दसवीं तक ना आपां इह चीज रट के आए हैं ओ भाई साहब सीरीज निकालना है पहला स्टेप ये दूसरा स्टेप है तो ये आंसर आएगा इसको क्रैम नहीं करना जो चीज सेम नहीं है डेरिवेशन वहां से स्टार्ट होगी कौन सी चीज सेम नहीं है वोल्टेज इसमें कौन सी चीज सेम नहीं स्टिफनेस वो तो है ही नहीं वही तो इक्वलेंट करेंगे इसकी चेंज इन लेंथ सेम नहीं तो डेरिवेशन स्टार्ट चेंज इन लेंथ तो नेट चेंज इन लेंथ कितनी है सपोज x इसकी चेंज इन लेंथ कितनी है x1 इसकी चेंज इन लेंथ कितनी है तो जनरल फॉर्मूला क्या होता है f = कितना माइनस डालना डालो नहीं डालना क्योंकि सारी जगह माइनस लगेगा तो भी कैंसिल हो गया f = kx आ गया अरे बोलो यस और पहले केस में x टोटल है तो टोटल फोर्स अपॉन k इक्विवेलेंट अपॉन k टोटल फोर्स मतलब इन दोनों के लिए टोटल फोर्स और वेट है तो इधर कल्ले पे भी वेट है तो यानी उसमें क्या आएगा f अपॉन की है k1 और इसके केस में f अपॉन k ਮੈਨੂੰ ਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਫੋਰਸ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਰੱਬ ਕੀਤਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਫੋਰਸ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਐਫ ਤੇ ਇਸ ਕੱਲੇ ਤੇ ਵੀ ਐਫ ਤੇ ਇਸ ਕੱਲੇ ਤੇ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯਾਨੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਐਫ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਯਾਨੀ ਤਿੰਨਾਂ ਤੇ ਫੋਰਸ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਦੋਨੋਂ ਸਪਰਿੰਗ ਤੇ ਟੋਟਲ ਤੇ ਤੇ ਚੇਂਜ ਇਨ ਲੈਂਥ ਇਹਦੀ ਟੋਟਲ ਦੀ ਐਕਸ ਇਹਦੀ ਐਕਸ 1 ਤੇ ਇਹਦੀ ਐਕਸ 2 ਤੇ ਐਫ ਅਪਨ ਕੇ ਟੋਟਲ F upon K 1 K 2 ऐसा रखिए होए यानी K equivalent 1 by K is equivalent कितना आ गया 1 by K 1 plus मैं पूरा लगता है समझ में आया आ गया पैरेलल के केस में कौन सेम है तो डेरिवेशन कितना शुरू होएगी फोर्स से कितना शुरू होएगी तो लोड यानी टोटल फोर्स कितनी है F पहले की F 1 दूसरे की F टोटल का फोर्स K equivalent X इसका K1X इसका इसमें सारी जगह XX क्यों लिया अगर मैंने थल्ले खींचा तो ए भी अगर X गया तो ए भी X गया तो टोटल भी टोटल चेंज इन लेंथ भी कितनी है X ही है सेम ही है अब समझ आया XX की हो गया यानी K इक्विवेलेंट कितना आ गया K1 K2 कि ये रेजिस्टेंस का जो सीरीज का आंसर था वो आज क्या आ गया पैरेलल का आ गया पहले याद करो जो रेजिस्टेंस का सीरीज का आंसर सी वो स्टिफनेस का किधर जा आंसर है पैरेलल आंसर है ਕਿਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਦੇਖੋ ਬੜੇ ਸਿੰਪਲ ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਕੰਮ ਐਸੀ ਸਮਝਾਈ ਇਹ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਕਿਉਂ ਗ੍ਰੈਫ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਈ ਮੈਂ ਕੋ ਬਸ ਇਤਨਾ ਬਤਾ ਦੋ ਵੀ ਹਮੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਯਾਦ ਹੈ ਕਈ ਬੱਚੋ ਕੋ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਮ ਕੋ ਜਗਾਤੇ ਹੋਏ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾ ਤੂੰ ਬਤਾ ਕੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਚਲ ਜੁਪਰ ਅਰਸ਼ ਕੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਕੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਪਪ 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 ਸਿਮਰਨ 1/k ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ 1/k इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k2 ਤੇ ਸੀਰੀ ਪੈਰਲਲ k1 ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਦੱਸ ਬਤਾਉਂਗਾ ਨਹੀਂ ਅਬ ਆਪਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਨਸਰ ਬਤਾਣਾ ਹੈ ਤੋ ਆਜ ਆਨਸਰ ਦੇਂਗੇ ਹਮਾਰੇ ਪਿਆਰੇ
बचे गुरअंश। गुरअंश आप बताइए, ये एक स्प्रिंग है, सीधा अच्छा क्वेश्चन कराते हैं मजा आए। ये एक मास है और ये एक मास और है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, इसका के 2 न्यूटन पर मीटर है, इसका 4 न्यूटन पर मीटर है, इसका 2 न्यूटन पर मीटर है और इसका मास 10 kg है। आपसे पूछा गया भाई व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ दिस सिस्टम, व्हाट इज द टाइम पीरियड मीन्स, आपने इसको यूं करके थोड़ा सा नीचे हिलाया और ये क्या करने लग गया, ऑसिलेट। आपने उस ऑसिलेशन का क्या निकाला है, समय। बताइए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। पहले आप मुझे टाइम पीरियड का फॉर्मूला बताइए मास सिस्टम के लिए, t इक्वल टू कितना, 2π √m/a। आपको 2π पता है क्या होता है, चलो इसकी दिक्कत कोई नहीं है, क्वेश्चन में मास गिवन है, उसकी भी दिक्कत नहीं, कौन रह गया, अब सोचिए। आपकी बहुत अच्छी भाषा। और जो नीचे वाला है वो सीरीज में आ जाएगा और बहुत पैरेलल में है। क्या ये तीनों पैरेलल में नहीं है, कैसे पता लगा, क्वेश्चन क्या आपने बताया, आपने इसको यहाँ नीचे खींचोगे, अगर ये 1 mm दब गया तो ये भी तो दोनों 1 mm एक्सटेंड हो जाएंगे, ये तीनों के तीनों किस में है, बस बस ही है ये क्वेश्चन, बेकार है, यानी 2, 4, 6, 2, 8 टोटल के कितना, 8। अभी देखो बहुत टफ क्वेश्चन पूछने जा रहे हैं प्रीति से, बहुत ज्यादा टफ, व्हाट इज द फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी, यानी आंसर बताइए कितना आएगा, 1/2π √k/n, कैलकुलेट कर लो ये, बस जरूरी नहीं है वो टाइम पीरियड पूछे, वो की पूछ सकता है फ्रीक्वेंसी भी पूछ सकता है, ठीक है, हूँ, वेरी गुड, गल्ला आती है मुझे बात करने, तेरे सीरीज पहले पता नहीं लगा ना, तू मैं ए दस पहला, 5 दसी आ दो, स्प्रिंग किस चल कितना पता लगे, ठीक है आ एक स्प्रिंग होर लाता है देना, ए दोनों किस चल इन्हें एक मान लिया, आंसर आ गया, हूँ ए दोनों किस चल इन्हें भी ऐड ही करना, पैरेलल सारे की होंगे ऐड होंगे तो क्वेश्चन थोड़ा सिंपल हो जाता, ठीक है, देखो क्वेश्चन मैं आ गया।